पाँच साल पहले तक गोरखपुर जिले के औरंगाबाद और आसपास के गिनती के गांवों तक सिमटा रहा टेराकोटा का माटी शिल्प योगी सरकार की पहल से वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिलों के पारंपरिक शिल्प व हुनर को उद्यम का रूप देने के लिए शुरू ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल होने के बाद टेराकोटा लोकल से ग्लोबल की सफल यात्रा पर है। इस पारंपरिक शिल्प को इंडस्ट्री में तब्दील करने में सरकार के प्रयासों से प्रेरित होकर कई संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। शिल्पकारों को अपने कारोबार को और रफ्तार देने में पूंजी की कमी नहीं होगी, इस दिशा में एक पहल पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से वही की गई है। सरकार की तरफ से मिलने वाले वित्तीय सहायता के अलावा अब ये शिल्पकार बैंक से आसानी से लोन लेकर कारोबार का भरपूर विस्तार कर सकेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक ने गोरखपुर के 5,000 टेराकोटा शिल्पकारों को सहजता से लोन देने की कार्य योजना बनाई है। बैंक की तरफ से शिल्पकारों को 25 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बैंक इसके लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक ने गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकारों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की अपनी कार्य योजना की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर मुख्य सचिव व MSME नवनीत सहगल से अलग अलग मुलाकात कर दी। मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री एवं ACS से मुलाकात करने वालों में पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रामजस यादव, उप महाप्रबंधक विनय खंजेलवाल, मुख्य प्रबंधक विनय कुमार ओझा व मुख्य प्रबंधक अंचल श्रीवास्तव शामिल रहे। इस दौरान CM योगी ने बैंक अधिकारियों को गोरखपुर के विशिष्ट माटी शिल्प टेराकोटा की खासियत की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि कैसे ODOP में शामिल होने के बाद टेराकोटा आज वैश्विक स्तर पर धाक जमा रहा है। ODOP का साथ मिलने से शिल्पकारों के पास टेराकोटा उत्पादों की इतनी मांग है कि उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी बढ़ रहा है। ACS MSME नवनीत सहगल ने बैंक के प्रतिनिधि मंडल को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भरता के मंत्र के अनुरूप ODOP योजना प्रदेश के हर जिले में किसी विशिष्ट शिल्प या उत्पाद को बढ़ावा देकर आर्थिक प्रगति व रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि ODOP CM योगी का ऐसा विजन है जिसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और हुनरमंदों के लिए स्वावलंबन का सुनहरा अध्याय लिख दिया है। श्री सहगल ने बताया कि आज गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकार करीब 1,000 प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं और इन उत्पादों की जबरदस्त मांग है। सरकार के प्रयासों से टेराकोटा को GI जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग भी हासिल है। उन्होंने टेराकोटा शिल्पकारों को लोन देने की कार्य योजना के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इससे शिल्पकारों को अपने कारोबार को नई ऊंचाई देने में काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रामजस यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ODOP योजना की पहचान घर घर हो चुकी है। उन्होंने टेराकोटा शिल्पकारों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश के MSME विभाग के साथ मिलकर कार्य करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ODOP योजना की शुरुआत 2018 में की थी। मकसद था जिले में खास तरह के शिल्प या उत्पाद बनाने वाले शिल्पकारों के जीवन में आर्थिक सुदृढ़ता लाते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। इस योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में खास पारंपरिक उत्पाद को उस जिले का ODOP उत्पाद घोषित किया गया। गोरखपुर में टेराकोटा शिल्प से बनने वाले मिट्टी के उत्पादों ODOP में शामिल किया गया। ODOP में शामिल होने के बाद टेराकोटा ने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की है। कभी शिल्पकारों ने इन उत्पादों के बाजार के अभाव में इस कला से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। आज उनके पास 5 महीने का एडवांस ऑर्डर रहता है। सरकार ने उन्हें इलेक्ट्रिक चौक, पगमिल आदि देकर उनके काम को आसान बना दिया है, तो आक्रामक मार्केटिंग और ब्रांडिंग से टेराकोटा को देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचा दिया है। टेराकोटा के उत्पाद तमाम ई-कॉमर्स कंपनियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 2017 की तुलना में टेराकोटा शिल्प से रोजगार अर्जित करने वालों की संख्या करीब 10 गुनी बढ़ गई है।